नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल यूनिवर्सल आर्किटेक्चर गुरु पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारा जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट, रेडियल और डायमीटर वाइज और एंगल का जो मेजरमेंट करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं रिवेट के अंदर, ठीक है। ये हमारा बेसिक के अंदर आएगा, बेसिक के अंदर लेक्चर नंबर 14 होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर, जो रिविट आर्किटेक्चर है, उसको ऑन कर लेते हैं। टेम्पलेट को ऑन करने के लिए सबसे पहले देखिए रिविट लेआउट ऑन हुआ है, इसके लिए हम लोग नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। नया टेम्पलेट के अंदर हम आर्किटेक्चर टेम्पलेट लेंगे, आर्किटेक्चर टेम्पलेट लेके प्रोजेक्ट क्रिएट न्यू पे ओके कर देंगे। इसके बाद में हमारा नया प्रोजेक्ट ऑन हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा नया प्रोजेक्ट ऑन हो गया दोस्तों। अभी इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, मैं एक रेक्टेंगुलर से, इसमें कोई लेवल वगैरह सेट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अभी जो मेजरमेंट है हमारा MM है, सॉरी, इसको ये काम करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट को सेट कर लेते हैं, यूनिट को MM की जगह पे हम लोग कर लेते हैं मीटर में, राइट। हमारा जो सिंबल है वो M हो जाएगा। और अगर आप फिट और इंचज में करना चाहो तो फिट और इंचज में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखिए मैं फिट और इंचज में कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फिट और इंचज में हो गया हमारा मेजरमेंट। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमारा वॉल एक बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक बाउंड्री क्रिएट हो गया दोस्तों। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ दोस्तों, देखिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ, मैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद में क्या करता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमारा ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। स्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद में दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वॉल क्रिएट करेंगे। वॉल क्रिएट करने के बाद में देखिए इधर में रेडियल वाला भी कर लेते हैं, देखिए हमारा एक कोई भी एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। जरूरी नहीं कैसा ही आप बनाओ, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है हमको। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अभी हमें क्या करना है दोस्तों, मेजरमेंट के लिए जाना है। मैं इसको क्या करता हूँ, सबको एक ही लेवल पर कर देता हूँ, लेवल 1 से लेवल 2 कर देता हूँ, ओके, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक मेरा आर्क वाला भी सेलेक्ट कर देता हूँ, इससे लेके इस तक में एक आर्क बना देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ठीक है, ये एक आर्क बनाई है मैंने, और एक सर्कल भी क्रिएट कर देता हूँ दोस्तों। एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ मैं, एक इंटरनल सर्कल क्रिएट कर देता हूँ, इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ लेवल 2 पे, राइट। तो दोस्तों ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया है। कोई भी स्ट्रक्चर बनाइए आप, ठीक है, उसमें जैसे मेजरमेंट कैसे करना है मैं बता रहा हूँ उसी के लिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मेन मेनू के अंदर जो हमारा रिविन है, उसमें मेन मेनू में जाइए आप। मेन मेनू में एनोटेट करके ऑप्शन है, एनोटेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। एनोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों देखिए, आपको अभी मेजरमेंट के लिए दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या डायमेंशन कैसे कैसे मेजर करना है। तो लीनियर डायमेंशन के लिए एक है लीनियर वाला, और अलाइंड वाला जो है अलाइंड के लिए है, एंगुलर के लिए एंगुलर डायमेंशन के लिए है, रेडियल के जो लिए है वो रेडियल है, और आपका डायमीटर वगैरह के लिए सर्कुलर के लिए अलग है, आर्क के लिए अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, एक एंगुलर ले लेते हैं दोस्तों। एंगुलर के अंदर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें देखना है दोस्तों, इस लाइन से लेके
सॉरी, पहले एक काम करते हैं इसका ले लेते हैं, राइट। दो कॉर्नर के बीच की जगह लेंगे दोस्तों, कॉर्नर टू कॉर्नर लेंगे तो कॉर्नर टू कॉर्नर आ जाएगा। लीनियर का आ गया है, कितना फिट आया है ये देख लीजिए, 12 फिट 2.5 इंच आया है। और इसमें आप इस प्रकार से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। इधर एंगुलर ये आ रहा है, ठीक है, सॉरी, हाँ ये 28 फीट आ गया और 8 इंच आ गया, राइट। और अभी देखिए, सॉरी टेप मेजर है, अभी अलाइंड वाले में करना है अभी हमें, तो अलाइंड वाले में देखते हैं दोस्तों कैसे क्या करना है। इसमें अलाइंड वाले को हम लोग कर लेते हैं, ये हमारा जो होगा 12 फीट। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग ने देखा था अलाइन वाले कमांड पे हम लोग चल रहे हैं, तो अलाइन वाले कमांड पे हम लोग देख लेंगे एक बार और, दिखा देता हूँ मैं। इस प्रकार से यहाँ तक यूनिट को हम लोग मेजर कर लेंगे, ठीक है। और मान लो अलाइन वाले पे ही हैं अभी हम, और इसी के अंदर इस वाले पोर्सन के यूनिट को देखना है, तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ये वाला यूनिट कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कमांड है दोस्तों, नेक्स्ट कमांड में अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, एक आर्क को मैं स्टार्टिंग रेडियस से सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये मेरा एक आर्क हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो कमांड है हमारा, अभी हमने देख लिया लीनियर वाला और अलाइन वाला, दोनों कमांड देख लिया दोस्तों। अभी हमने इसके बाद में अभी हम लोग करते हैं एंगुलर के लिए, ठीक है। जो एंगुलर जो कमांड है हमारा दोस्तों, इसको देख लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो एंगुलर कमांड को देखने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एंगुलर कमांड पर क्लिक करते हैं। इसके लिए जो हमारा सेंटर लाइन जैसे देखिए हाईलाइट हो रहा है, तो इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में कितना एंगल है, तो अभी हमारा एंगल मेजर हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। लेट सपोज इधर वाला देखिए, ये वाला और ये वाला, इसके बीच में देखिए, दोनों के बीच में 72 डिग्री एंगल है, ठीक है। और एक और देख लीजिए, ये वाला और ये वाला, इसके बीच में 84 डिग्री एंगल है, ये हमारा अधिक कोण है, तो इस वाले में देखिए 90 प्लस आएगा, 95 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये वाले में और ये वाले में हमारा 108 डिग्री एंगल है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आप सारे एंगल को मेजर कर सकते हो बाय एनोटेट, ओके, एंगुलर कमांड से, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है हमारा रेडियल कमांड है दोस्तों, रेडियल कमांड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे कमांड्स को देखेंगे, जो हमारी रेडियल लेंथ होगी उसको मेजर करेगी, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको इसके सेंटर से इसके लेंथ को सेलेक्ट कर लेगी, जैसे ये हाफ आर्क है, यहाँ पे सर्कुलर 7.6 यानी 7.6 इंचेस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये वाला देख लीजिए, इस वाले में भी हमारा 11 फिट 4 इंच है, इस आर्क की जो सेंटर से रेडियस है वो, रेडियल कमांड का मतलब है रेडियस को मेजर करना, टोटली सीधा बात है डायरेक्टली, ठीक है। एक और हमारा कमांड है डायामीटर, ठीक है। ये वाला कमांड क्या करता है, हमारा डाया को मेजर करता है। ये वाला एक सर्कल बना दिया हमने, तो ये डाया कितना होगा देखिए, इसका 32 फीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला अगर हमारा है, तो इसका 15 फीट है, ठीक है, देख लीजिए। अभी हम जो रेडियस थी वो 6.5 फीट मिली है, 7.5 फीट मिली है, तो इसका जो डबल होगा वो डायमीटर होगा, और ये 15 मीटर हमारा आ गया, राइट, 15 फीट है, सॉरी बोलने में गड़बड़ हो रही थोड़ी, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट जो हमारा कमांड है, एक और कमांड हमारा जो है वो है लेंथ, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के अंदर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आर्क लेंथ वाले कमांड पर क्लिक करते हैं। इस कमांड पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, हमें देखिए कौन सा आर्क है, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों क्या करते हैं, ठीक है, जो इसके एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये वाला एक एंड पॉइंट्स है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और इसके बाद में एक और एंड पॉइंट किधर है, इधर है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद में मैं कहाँ तक मेरा आर्क है, इस वाले तक, ठीक है। तो ये मेरा आर्क लेंथ पता चल गया है कि ये वाला आर्क लेंथ 50 फीट 3 इंच है मेरा, और सारा का सारा इसने बता दिया मेरे को, ठीक है। और अब क्या है नेक्स्ट मेरा, जैसे इस वाले में देख लीजिए आप लोग, ठीक है, उसमें हो गया, इधर वाले में भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं आर्क लेंथ के थ्रू। तो दोस्तों ये एक छोटा सा लेक्चर है, जो हमारा बेसिक लेक्चर था उसी के
रिगार्डिंग मैंने बताया है, थोड़ा यूनिट वगैरह आपको देख लेते हैं। ठीक है, छोटा सा है, इसमें हम लोगों ने स्टडी कर लिया एक लीनियर के लिए, एक लाइन डायरेक्शन के लिए, और एक एंगुलर है हमारा, और रेडियल, डायमीटर और आर्क लेंथ। ये जो 6 टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, 6 की 6 हमने कवर कर लिए हैं। 10 मिनट का वीडियो होगा। ओके मैक्सिमम। ओके दोस्तों, तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक स्ट्रक्चरल वीडियो के साथ में। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, और जितना हो सके दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद दोस्तों।